हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी बाय सातिया सना। आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट। मैं मुझे इसमें मतलब क्या डिसएडवांटेज लगे, क्या एडवांटेज लगे, एज अ प्रोफेशन अगर आपने इसको चूज़ करना है तो आपने किन किन चीज़ों को जहन में रखना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना करियर जो है वो 2014 में स्टार्ट किया था, जब मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई थी। अप्रैल 2014 से मैंने स्टार्ट लिया था एज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट इन प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर। उसके बाद फिर मेरी जॉब हो गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो मैंने अपनी जो प्राइवेट जॉब है उसको छोड़ा नहीं था, लेकिन दोनों को मैंने साथ साथ कंटिन्यू किया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस टाइम पे जो मुझे जॉब ऑफर हुई थी वो 9th स्केल की थी। तो अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि भई हम BS हैं, हमने BS किया हुआ है, 4 ईयर्स डिग्री ली है, तो हम 9th स्केल पे जॉब क्यों करें। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है तो आप उसको स्किप ना करें। उसके आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये होगा कि आप जो है वो अपना करियर स्टार्ट ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो नई टेक्निक्स सीखेंगे और आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, क्योंकि आपके पास उस टाइम तक सारा थ्रेटिकल नॉलेज होते हैं, आपके पास कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, जब आपको 9th स्केल है या 12th स्केल है वो मैटर नहीं करता, आपको साथ में पे मिल रही है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो कम पूरे कर सकते हैं। दोनों बेनिफिट्स हो गए। और तीसरा फिर ये बेनिफिट होगा कि अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके CV में ऐड हो जाएगा कि भाई आपका ग्रेजुएशन जो है वो 2014 में हुआ था और आपने 2014 से ही अपनी जो है वो स्टडी के फौरन बाद जो है वो जॉब स्टार्ट कर ली, जिसकी वजह से आपका जॉब का गैप नहीं आता। तो इसलिए मैंने जो है वो 9th स्केल की जॉब स्टार्ट की। और उसके बाद 2016 में मुझे 17th स्केल की जॉब मिल गई थी, जो कि मैंने एज अ रिसर्च ऑफिसर स्टार्ट की थी इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो 10 साल में मैंने एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में भी काम किया हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया हुआ है, और उसके बाद फिर मैंने एकेडमिक्स में काम किया हुआ है, जो कि टीचिंग की जॉब है। अब अगर अभी करंट में बात करूँ तो इस टाइम पे मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं यहाँ पे अपनी PhD कर रही हूँ रेडियोलॉजी में। तो अभी भी ये मैं अपने स्टडी रूम में बैठी हुई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, अब मेरी इस प्रोफेशनल जर्नी में अगर मैं बात करूँ तो मुझे एज सच कोई भी अपनी इस फील्ड का ड्रॉबैक नज़र नहीं आया एज अ कैरियर, एज अ प्रोफेशन। मतलब कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो मेरी जॉब है वो अच्छी नहीं है, या मैं ये सोचूं कि मेरा पैकेज अच्छा नहीं है, या कभी मुझे ये नहीं लगा कि मेरी जॉब ख़त्म हो जाएगी। मतलब इस तरह की कोई भी इनसिक्योरिटीज़ मुझे अपने इस प्रोफेशन में नज़र नहीं आई। दूसरा, अगर मैं अपने कैरियर में बात करूँ, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो 2015 से मैंने जो है वो विजिटिंग लेक्चरर स्टार्ट किया था, उसके बाद 16 से मैं परमानेंट वहाँ पे गई थी। तो 2015 से अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की रेशो की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जॉब करना चाहते थे वो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स पे हैं। इवन उनके माशाल्लाह मुझसे अच्छे पैकेजेस हैं, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पैकेज अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक्स। तो वो एकेडमिक्स में मैं हूँ, मैंने मास्टर्स उसके बाद किया, फिर PhD के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ गई हूँ स्कॉलरशिप पे, तो वो मेरी अपनी प्रेफरेंस है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें जो है वो आपका पैकेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़। तो उसके बाद अगर इन चीज़ों को देखें तो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको जॉब की इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती, स्टेबिलिटी होती है इसमें। बाकी अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले यही है कि आपके पास जॉब की स्टेबिलिटी है, आपकी जॉब कहीं पे स्टार्ट हो गई है। यह नहीं होता है कि आपको 2 महीने 4 महीने के बाद जो है वो जॉब से किक ऑफ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो हेल्थ केयर है इसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं हो रही। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो जॉब की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपका डिपार्टमेंट बंद हो गया है या काम ख़त्म हो गया है या प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो आपकी जॉब ख़त्म हो गई है, तो ये आपकी जो इनसिक्योरिटी है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर हम पे पैकेज की बात करें तो यहाँ पे एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हॉस्पिटल्स में या डायग्नोस्टिक सेंटर्स में या क्लिनिक्स में, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, आपका पे पैकेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स ज़्यादा होता है और हेल्थ इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है।
और इसमें आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आप प्राइवेट क्लिनिक्स में जा सकते हैं, आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जा सकते हैं, उसके बाद आप रिसर्च सेक्टर्स में जा सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल जॉब कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं कुछ करना चाहते, आपके पास जो है वो ऑप्शन है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एज अ डायग्नोस्टिक सेंटर, आप उसको ऑनरशिप में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो आपके पास टाइम के साथ टेक्निकल एडवांसमेंट आती है, मीन्स कि आपने एक्सरे भी सीख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सीटी, आपने सीटी पे काम स्टार्ट किया, आपने पहले जो काम स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल आपने तोशिबा पे काम किया, उसके बाद आप दूसरी जगह पे जाते हैं, आप जीई पे चले जाते हैं, आप सीमेंस पे चले जाते हैं, तो आप डिफरेंट टेक्निक्स को एक साथ सीख रहे होते हैं इस प्रोफेशन में, जिसकी वजह से आपकी जो सीवी है वो ग्रूम होती है। इसके अलावा जो आपके पास डायरेक्ट आप जो अपनी कम्युनिटी है, पेशेंट्स हैं, उनको सर्व कर रहे होते हैं, तो ये ह्यूमैनिटी की भी अगर बात करें तो इस जॉब में आपके पास है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अपने कैरियर में फेस किया है, ठीक है। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो आ जाता है, अब पीछे से मेरी बेटी साहबा जी आ गई हैं। हेलो हनी, हाय, व्हाट हैपेंड? कैन यू मी टू? ओह माय गॉड, पानी मम बेटा, पानी वहाँ किचन से ले लेंगे, ठीक है, पानी पी के आओ जल्दी से, शाबाश, गुड बेबी, बाय बाय। अच्छा, तो अब अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आता है एज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, वो है हमारे पास के रेडिएशन एक्सपोजर, जिससे हमें बचना है, डेफिनेटली हमें केयर करनी है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो हमारे पास थोड़े से ड्रॉबैक्स होते हैं, हमारे पास फैसिलिटीज कम होती हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को बॉदर नहीं कर सकते डेफिनेटली, और जो हॉस्पिटल में बर्डन होता है तो हम नहीं करते हैं, पॉपुलेशन का भी बॉदर नहीं करते, अपना आप भी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे अगर यह मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो यहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो वेटेज दी जाती है। इसके अलावा फिजिकल डिमांड कि आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। ओके बेटा, यू कैन गो प्लीज। ओके सॉरी, नेक्स्ट जो हमारे पास है कि फिजिकल डिमांड कि आपने जो जॉब करनी है, आपने अगर डायग्नोस्टिक सेंटर में करनी है, हॉस्पिटल में करनी है, तो आपको फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा, आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ तो मेरा 90% जो काम है वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं उनको भी जो है वो लुक आफ्टर करती हूँ, और साथ में जो अपना काम है रिसर्च है वो मैं घर से करती हूँ, बाकी जो मीटिंग्स होती हैं वो वीकली जो है वो मैं ऑनलाइन मीटिंग्स कर लेती हूँ, तो उसके बाद जो कुछ टाइम होता है कि मैं चली जाती हूँ, तो मींस के 90-95% मैं काम है वो वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ। लेकिन ये अभी जो है वो पीएचडी लेवल तक, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही हूँ। हाँ, आगे मैं इंडस्ट्री में जाती हूँ, मतलब अपनी जो चीज़ है रिसर्च है इसको आगे ले जाती हूँ, तो डेफिनेटली मैं घर से काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने हॉस्पिटल में जाना है एज अ रेडियोलॉजी मैनेजर की सीट पे जाऊँ, या चीफ टेक्नोलॉजिस्ट की सीट पे चली जाऊँ, सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट की सीट पे चली जाऊँ, तो फिर मुझे वहाँ पे इन पर्सन हर सूरत होना पड़ेगा। और तीसरा इसका डिसएडवांटेज जो है वो रोटेशंस, कि आपको इवनिंग ड्यूटीज़ भी करनी पड़ती हैं, आपको मॉर्निंग ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, नाइट ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, उसके अलावा हॉलीडेज आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद इवन अगर जैसे हमारी एज अ मुस्लिम हमारी ईद जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक ओकेजन होता है, तो मैंने जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, क्योंकि मैं मुल्तान में थी और मैं मुल्तान मतलब सिटी से थी, तो मुझे जो है ईद वाले दिन ड्यूटी करनी पड़ती थी, क्योंकि जो बाहर से लोग होते थे वो हॉस्टल से चले जाते थे, एक दो दिन फिर उनको रिलीफ देते थे कि वो ईद के थर्ड डे या सेकेंड डे आके ड्यूटी कर लें, और फर्स्ट डे जो है क्योंकि कन्वेंस वगैरह का भी इशू होता है, तो तब मैंने मतलब वो 2 साल जब मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी तो मैंने ईद वाले दिन की जो ड्यूटीज़ थी मॉर्निंग या इवनिंग वो मैंने की हुई है, तो ये एक ड्रॉबैक आता है। लेकिन फिर उसके साथ ये भी होता है कि आपका पैकेज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जब आप ओवरनाइट जो आप ओवर आवर्स मतलब ड्यूटीज़ करते हैं या आप लंबी शिफ्ट्स ले लेते हैं, ठीक है, ओवर टाइम कर लेते हैं, उसकी वजह से आपका जो नॉर्मल पैकेज होता है उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा जो है और इसका डिसएडवांटेज आप ये भी कह लें या एडवांटेज ये कह लें कि आपको कंटिन्यूली एजुकेशन जो है वो लेनी पड़ती है, आपने अगर अपनी टेक्निक्स को एडवांस करना है या अपने आप को एडवांस करना है, आपने वो जो 10 साल पहले सीखा था उसी पे नहीं रहना, तो आपको कंटिन्यूसली सर्टिफिकेशंस नई चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ती हैं।
आपको कुछ ना कुछ नई रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ नया नॉलेज गेन करना पड़ता है। मतलब अगर मैं ये सोचूं कि 10 साल पहले जो मैंने BS किया था वही मेरे लिए बहुत है, तो ऐसा नहीं है। रोज आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर रोज नई टेक्निक है, नई एडवांसमेंट है, नई रिसर्च है, नई डिजीजेस हैं। तो ये जो है ये इसका आप एडवांटेज भी ले सकते हैं और डिसएडवांटेज भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इस फील्ड में कोई और डिसएडवांटेज है, लेकिन आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं या आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपके जहन में क्या क्वेश्चंस हैं, या ड्यूरिंग जॉब आपको क्या क्या डिसएडवांटेज लगे हैं, क्या ऐसे एडवांटेज लगे हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही थी। जब लंबी हो जाती है तो वो फिर थोड़ी सी आप ये कह लें कि बोरिंग हो जाती है, तो कोशिश मैं कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी इसको 10 मिनट से पहले जो है कंप्लीट कर लूँ, लेकिन वो हुई नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो आपने मुझे ज़रूर बताना है, कोई आपको क्वेश्चन है तो आपने इसमें ज़रूर पूछना है। अच्छा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश इन कंट्रीज़ में BS किया है, तो उसके बाद आप अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो आप कौन सा पाथवे जो है वो ले सकते हैं, किस तरह से आप यहाँ पर आके स्टडी कर सकते हैं या आप जो है वो काम कर सकते हैं एज अ इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोग्राफर। ठीक है, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वो मैं वीडियो तब बनाऊंगी जब मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है और उसके बाद इंटरेस्ट शो किया है कि हाँ भाई हमने नेक्स्ट वीडियो देखनी है। क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी भी होती हूँ, तो जब मुझे कोई फीडबैक नहीं मिलता तो फिर मैं बिल्कुल ही डंप होकर बैठ जाती हूँ, तो एकदम से फिर दोबारा से होता है कि नहीं चले, क्या पता मेरी एक वीडियो बनाने से या एक नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर करने से कोई एक स्टूडेंट जो है या कोई एक देखा है जो मुझे, तो उसका फायदा हो जाए, उसका भला हो जाए। उस एक स्टूडेंट से आगे पता नहीं 10, 15, 20 और स्टूडेंट्स जो है वो उसके साथ लग के तो जो है वो किसी अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक पे इंशाल्लाह।